सुशांत ने क्यों छुए सीएम योगी के पैर। वायरल वीडियो पर सुपरस्टार ने तोड़ी चुप्पी। योगी सन्यासी हैं या फिर भविष्य के प्रधानमंत्री, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। इंडिया सिनेमा का मेगा स्टार, साउथ इंडस्ट्री का सुपरस्टार और एक्टिंग का गॉड फादर रजनीकांत, जो एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं। एक्टिंग और डायलॉग की दुनिया में देखे रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। इनका अंदाज, बेमिसाल एक्टिंग और दमदार डायलॉग डिलीवरी आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। तभी तो साउथ की फिल्म जेलर ने 10 दिनों के अंदर अंदर 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है। आलम यह है कि तमिल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी जेलर ने कलेक्शन का पहाड़ खड़ा कर दिया है। 500 करोड़ के क्लब में रजनीकांत का जलवा बरकरार है और यही जलवा राजनीतिक गलियारों में भी छाया हुआ है। बीते दिन देखिए फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर क्या छुए, विरोधियों के तन बदन में आग लग गई। सोशल मीडिया पर योगी के पैर छूने पर रजनीकांत को ट्रोल किया जाने लगा। आलम यह कि योगी विरोधियों को रजनीकांत का पैर छूना और वो भी योगी आदित्यनाथ के बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन जब पैर छूने पर रजनीकांत ने चुप्पी तोड़ी तो इन्हीं विरोधियों के मुंह पर ताले लग गए। विरोधियों का हल्ला इस बात को लेकर था कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे उम्र में काफी छोटे हैं और ऐसे में पैर नहीं छूना चाहिए था, और जिस पर जवाब देते हुए सुपरस्टार ने सुपर बात बोल डाली। चाहे सन्यासी हो या योगी, अगर वो मुझसे उम्र में छोटे भी हो, मेरी आदत है कि मैं उनके पैर छूता हूँ। दरअसल देखिए पिछले दिनों रजनीकांत भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद सीधे लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, फिर मंत्रियों के लिए फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। सभी ने लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो के ओल्नॉक्स मेगाप्लेक्स में इस फिल्म को देखा और इसके बाद रजनीकांत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे और यहाँ वो अपने गाड़ी से उतर कर सीधे सीएम योगी से मिले और उन्होंने उनके पैर छू लिए। बस जैसे ही ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया में वायरल हुआ, विरोधी खासकर रजनीकांत की उम्र का हवाला देने लग गए। लेकिन जब आपके सामने वाला एक सन्यासी हो तो क्या उम्र देखकर सम्मान देना चाहिए या नहीं, इस पर देखिए आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। लेकिन एक सन्यासी के राजा बनने पर प्रभु श्री राम क्या कह गए, ये हम आपको अपने इस वीडियो में बता देते हैं। अब देखिए ना, रामायण काल में राजा सुग्रीव ने जब प्रभु राम से ये पूछा कि एक सन्यासी से अच्छा राजा क्या कोई हो सकता है, तो जवाब में भगवान ने ये बोला कि सुग्रीव यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ ना हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसकी निजी विलास और कामना शक्ति नहीं होगी वही तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवक के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना ही कोई अपना होगा ना ही कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा, और इसलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। तो सुपरस्टार रजनीकांत जिनकी उम्र पीएम मोदी के बराबर है, आप मान लीजिए कि 72 साल की उम्र है, और रजनीकांत का देखिए योगी आदित्यनाथ के पैर छूना, ये बताता है कि सनातनी संस्कार सच में सर्वोपरि है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। जी नाइन साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था, उस दिन से हमारा दोस्ती चल रहे हैं, आपस में फोन में भी बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने आगा इधर आया था शूटिंग के लिए, उधर नहीं देख पाया, अभी है, अभी आके उनको देख। सर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत थी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम लला के दर्शन करने जा रहे हैं, ये करते करते सिखा रहे, मेरे दोस्त है ना, इसलिए बात कर रहे थे। सर यू विल बी विजिटिंग अयोध्या टुडे, अयोध्या जा रहे हैं सर दर्शन करने? जी 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 जी। क्या रहेगा सर दर्शन? मायावती जी से भी कुछ मुलाकात होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। आप पहली बार आए यहाँ पर रजी सर? आप पहली बार आए यहाँ? नहीं नहीं नहीं, इधर पहली बार। अभी ये फिल्म धूमधाम भजाएगा। कितना दिन भागेगा फिल्म, कैसे होगा सर? ये भागेगा नहीं बता सकता, उतना भागेगा, सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये की 1 day 2 days में रिकॉर्ड तोड़ देगा पूरा का रिकॉर्ड। ये भागने का मतलब नहीं है, ये तो ब्रेक करेगा सबका, सबका ब्रेक करेगा। ये नंबर वन वर्ल्ड में रजनीकांत इज ए नंबर वन, वी आर द फैंस ऑफ।
superstar Rajnikanth, which means he is our favorite and wonderful actor with whom we cannot ignore in any situation. When his movie is released, no matter what time it is, no matter which day it is, and we are here for his movie, for the opening show.